आधार पर जो नाम ऐड किए गए वो सुरेंद्र गडलिंग था, रोना विल्सन, शोमा सेन, महेश राउत, मिलिंद तेलतुंबड़े, प्रकाश एलियस नवीन एलियस रितुपरन गोस्वामी, कॉमरेड मंगलू, कॉमरेड दीपू और अदर अंडरग्राउंड एक्टिविटी के जो सदस्य थे। ये जो हमने सेक्शन ऐड किए और ये नाम ऐड किए, ये 17 मई की घटना है। और जब हमने और अपना इन्वेस्टिगेशन आगे किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि अगला कदम उठाया जा सकता है, तो 6 जून को अरेस्ट एंड सीजर की बड़ी दूसरी कार्रवाई की गई। 6 जून को रेड कर सुरेंद्र गाडलिंग को नागपुर से, रोना विल्सन को दिल्ली से, सुधीर ढवले को, शोमा सेन को और महेश राउत को अरेस्ट किया गया और उनके पास भी सर्च ली गई और कुछ और साहित्य उनके यहां से सीज किया गया। जितना साहित्य अब तक सीज हुआ, एनालिसिस किया गया उसके बाद, जैसे मैंने बताया 6 जून को ये अरेस्ट हुए थे, कुछ सीजर्स हुए थे, पहले सीजर्स अप्रैल के महीने में हुए थे और इस एनालिसिस के बाद ऐसी जानकारी मिली कि इसमें और कुछ ओवरग्राउंड कार्डर्स हैं जो कि जिनका इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा था। बहुत सी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस प्राप्त हुई जो कि एविडेंस थी ईमेल्स के फॉर्म में, लेटर्स के फॉर्म में, मिनट्स है जो रेवोल्यूशनरी मीटिंग्स के उनके फॉर्म में, बाकी कम्युनिकेशन हो रहा था जो सीपीआई माउस की सेंट्रल कमेटी का बाकी सदस्यों के साथ, उस प्रकार का साहित्य जो सीज किया गया वहां से यह सब प्राप्त हुआ। ऐसी जानकारी मिली इस पूरे एनालिसिस के बाद कि जो सेंट्रल कमेटी है माओइस्ट की, वो डायरेक्ट अपने ओवरग्राउंड कार्डर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती, उनका कम्युनिकेशन रोना विल्सन और गाडलिंग के थ्रू होता है। डिवाइसेस पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड मैसेजेस भेजे जाते हैं इनके पास और ये वहां से कुरियर के द्वारा भेजे जाते हैं, कुरियर का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है और ये वहां से फर्दर उस अगर जो मैसेजेस भेजने पड़ते हैं, मेल्स भेजी जाती हैं, पुनः कुरियर के द्वारा डिवाइसेस पर डालकर बाकी ओवरग्राउंड कार्डर्स को ये भेज दिया जाता था। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसका एक था कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता था। और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें पुणे पुलिस की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही रही कि उन्होंने जो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड था पूरा एविडेंस, उसको वो क्रैक कर पाए, जो कि इनके ही आरोपियों के हार्ड डिस्क से ही एविडेंस हमको प्राप्त हुई थी। तो जब पूरी एविडेंस को एनालाइज कर लिया गया, उससे ये सामने आया कि सीपीआई माओइस्ट की एक कॉन्स्पिरेसी थी एक ऑल इंडिया फ्रंट एस्टैब्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ खोलने का, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का, केओस क्रिएट कंट्री, पहले केओस क्रिएट किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक डाउन किया जाए और उसके द्वारा एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए। इस प्रकार का एविडेंस हमको सामने आया, इस प्रकार का डिजाइन सीपीआई माओइस्ट का था जो कि अपने ओवरग्राउंड कार्डर्स के मार्फत इसको इम्प्लीमेंट करने की उनकी प्लान थी और उसको इस प्रकार से आगे इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। इस एविडेंस के द्वारा ये क्लियरली एस्टेब्लिश हुआ कि जो हमने नए आरोपी हैं जिनके नाम हमने 23 अगस्त को ऐड किए, 5 आरोपी थे एविडेंस के बाद हमने जिनके नाम ऐड किए, वो श्री वरवर राव, अरुण फरेरा, वर्नन गोंजाल्वेस, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबड़े एंड एक सस्पेक्ट स्टैन स्वामी, ये 7 आरोपियों के नाम ऐड किए गए। जब हमने लगभग 2 महीने तक हमने पूरी एविडेंस को एनालाइज किया, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, एकदम क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया, लिंक हो गया, एविडेंस मिल गई, उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद हमने इन लोगों के नाम ऐड किए एज अक्यूज 23 तारीख को। और उसके बाद 29 तारीख को आप सभी को मालूम है देश में 9 जगह पर सर्चेस की गई इनके प्रमाइसिस के ऊपर, श्री वरवर राव के प्रमाइसिस हैदराबाद में, अरुण फरेरा का ठाणे में, वर्नन गोंसाल्वेस का मुंबई में, श्रीमती सुधा भारद्वाज का फरीदाबाद में हरियाणा में एंड श्री गौतम नवलखा का प्रमाइसिस दिल्ली में सर्च किए गए। वहां भी कुछ साहित्य सीज किया गया और इन लोगों को कस्टडी में लिया गया, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की
जो डायरेक्शन थी उसके हिसाब से इनको उसके बाद हाउस अरेस्ट में रख दिया गया है, लेकिन एविडेंस उनके पास से सीज कर ली गई है, उसको आगे एनालाइज किया जा रहा है। जो अभी तक एविडेंस आई है मैंने आपको क्लियरली बताया है, वो एविडेंस क्लियरली इन सभी आरोपियों का रोल एस्टैब्लिश करती है, माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एस्टैब्लिश करती है, आर्म्ड जो इनका आर्म जो डिजाइन है, आर्म्ड ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट का डिजाइन है माओइस्ट का, उसमें किस प्रकार क्या रोल इनको असाइन किए जाते थे, क्या इनको डायरेक्शन दी जाती थी, ये लोग किस प्रकार से कम्युनिकेट करते थे, अपने सुझाव देते थे, अपना रोल किस प्रकार से निभा रहे, उसके बारे में रिपोर्ट दी जाती थी सेंट्रल कमेटी को, वो सारा एविडेंस हमको प्राप्त हो चुका है। और उस एविडेंस के बेसिस पे ही जो 29 तारीख को रेड थी, पूरे भारत में अलग अलग जगह पर 9 जगहों पर यह रेड की गई थी,